रुड़की में आज सीपीयू यातायात पुलिस को साथ लेकर क्षेत्र की सड़कों पर चलाया गया चेकिंग अभियान, जिसमें एसपी देहात मणिकांत मिश्रा, ट्रैफिक इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर योगेश सक्सेना, सीपीयू इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह ने शहर की सड़कों पर मुंह पर कपड़ा बांधकर चलने वाले बाइकर्स को पकड़कर चालान किया। एसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या दुर्घटना में बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए अभियान चलाया गया। दूध बाजार पहले ही बात हो चुकी है, यहाँ पर जो मार्केट में लोग दुकानें लगाते थे उनसे भी इनको एक दूसरी जगह दे दी गई है, नगर निगम के दूसरी साइड में। फिर भी कुछ दुकानें ऐसी हैं जो यहाँ हर बार लगा दी जाती हैं बुधवार को, जिसमें पुलिस उन्हें हटवाती है और फिर जहाँ जो नई जगह दी गई है वहाँ लगवाई जाती है। उसी क्रम में आज का भी ये अभियान रहा और ये जो छोटी मोटी दुकानें लगी थी उनको हटवा के जहाँ जगह बताई गई है वहाँ लगवा दिया गया। यातायात पुलिस की और सीपीयू की मदद से एसएसपी महोदय ने जो नाबालिग बच्चे वाहन चलाते हैं और जो दुपहिया वाहन चला रहे नाबालिग बच्चे, जिसमें दुर्घटनाएं होती हैं और उनकी गंभीर चोटें लगती हैं, उसे रोकने के लिए ये आज अभियान पुनः चलाया गया, जिसमें आज सिर्फ और सिर्फ जो छोटे कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें उनके वाहनों को सीज किया जाएगा और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम स्टोरी, रुड़की।